चलिए लखनऊ से आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। राजनीति है, अरविंद केजरीवाल जी जिसके जनक है, अब इस राजनीति को पूरे देश में पहुंचाना है। आप देख सकते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं और जो भी देश विकसित नहीं हो पाए हैं, उन सब में मूलभूत एक ही अंतर है, वो ये है कि जो भी देश विकसित हुआ है वहां की राजनीति अच्छी है, और जो भी देश आज विकसित नहीं हो पाया है वहां की राजनीति खराब है। तो केजरीवाल जी ने जो सकारात्मक और अच्छी राजनीति दी है, दिल्ली में जिस तरीके से काम हुए हैं, पंजाब में जिस तरीके से काम हो रहा है, अब इस राजनीति को पूरे देश में, हर राज्य में, हर गांव में और हर गांव के हर घर तक लेकर जाना है। इसी सिलसिले में अगली कड़ी जो उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय का जो चुनाव है वो पूरी ताकत से लड़ेगी। इस चुनाव में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 17, म्यूनिसिपल काउंसिल में 200, शहर पंचायत में आपके 546, तो टोटल ये 763 के आसपास सीट्स है जिस पर चुनाव होने वाले। आज हमारी यहाँ पर इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक थी। इस समीक्षा बैठक में हमने अपने संगठन को चुनाव के आधार पर बड़ा करने का, विकसित करने का, सुसज्जित करने का प्लान बनाया। सभी से फीडबैक लिया गया आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए, और अब इन सभी नगरीय निकायों में जाकर अगले लेवल की मीटिंग्स होगी और आगे की कैंडिडेट चयन हुए, कैंपेन हुए, इन सारी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। मेरा ये मानना है मोटा मोटा कि आज तक इस देश में बाकी सारी पार्टियां, जो भी पार्टियां जीतते आ रही है, उसका एकमात्र कारण यही था कि जनता के पास विकल्प ही यही थे। जनता को जो भी विकल्प उसके सामने दिया गया उसमें उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने चुना। अब अगर आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरती है उत्तर प्रदेश में, तो मेरा ये मानना है कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से मौका देगी, क्योंकि अब जो दिल्ली के काम है, जो पंजाब में काम हुए हैं, वो देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। हर एक व्यक्ति को पता है कि केजरीवाल जी कैसे काम करते हैं, हर एक व्यक्ति को पता है कि केजरीवाल जी स्कूल में, अस्पताल में, गुड गवर्नेंस में कैसा काम करते हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश में भी नगरीय निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, और आने वाले समय में आगे की रणनीति भी आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। हमारा ये मानना है कि इस बार नगरीय निकाय में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है और बहुत बड़े लेवल पे बदलाव आने वाला है। आप लोगों के कोई प्रश्न हो? लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी की प्लानिंग कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी किसी भी जोड़ तोड़ या खिचड़ी राजनीति में नहीं पड़ती है। हमारी राजनीति बड़ी सीधी है, बड़ी सरल है। लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे आगे की रणनीति उचित समय पे बात करेंगे। थैंक यू। तो लखनऊ से अभी हमने आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाई, निकाय चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कई बड़ी बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई हैं। तो आने वाले चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी है, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें कई बड़ी बातें कही गई। तो देखिए अभी थोड़ी ही देर पहले लखनऊ से हमने आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाई, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया।